ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 7 मार्च 2022 चालीसे के प्रथम सप्ताह का सोमवार है। आज लेवी ग्रंथ और संत मती रचित सुसमाचार के पाठों से पड़ोसी प्रेम से संबंधित हमारी कलीसिया हमें हमारे धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की याद दिलाती है। मूसा के मुख से प्रभु ईश्वर इसराइलियों और हम सबसे कहते हैं कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। प्रभु ने पवित्र बनने की शर्तों को बतलाते हुए कहा, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। वे आगे कहते हैं कि मेरे पवित्र नाम को लेकर झूठी शपथ मत लो। अपने पड़ोसी या मजदूर के प्रति किसी प्रकार का अन्याय मत करो। अंधों और बहरों का तिरस्कार मत करो। किसी से बैर मत रखो। झूठी गवाही मत दो। ईश्वर को प्यार करने और पवित्र बनने का यह सर्वोत्तम उपाय है। लेवी ग्रंथ की ये पवित्र वचन हमें सिखलाते हैं कि पवित्र बनने के लिए, ईश्वर से संबंध बनाने के लिए पड़ोसी प्रेम अति आवश्यक है। हमारे प्रभु येसु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में पड़ोसियों से प्रेम नहीं करता, उनकी ज़रूरतों में उनकी सहायता नहीं करता, वह स्वर्ग के लायक नहीं। आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु येसु ख्रीस्त अंतिम न्याय के दिन उन लोगों को स्वर्ग में आमंत्रित करेंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में भूखों को भोजन खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया, परदेशियों को अपने यहाँ ठहराया, नंगों को कपड़ा पहनाया, बीमार व्यक्तियों की सेवा की और बंदियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई। उस न्यायकर्ता प्रभु का कहना है कि उन लोगों ने ज़रूरतमंदों के लिए जो कुछ किया, वह स्वयं प्रभु के लिए किया। उन्होंने उन भले लोगों को स्वर्गीय पिता के कृपा पात्र कहा और स्वर्ग राज के अधिकारी बनाया। इसके विपरीत जिन्होंने ज़रूरतमंदों की परवाह नहीं की, उनसे न्यायकर्ता प्रभु कहेंगे, शापी तो मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यह सचमुच कितनी कठोर वाणी और भयंकर सजा है। प्रिय भाई और बहनों, चालीसे की इस अवधि में हम पास्का के मुक्ति के रहस्यों में भाग लेने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। हम विनती प्रार्थना, दान दक्षिणा, आत्म संयम, त्याग तपस्या, उपवास परहेज, पवित्र वचनों और पास्का के रहस्यों पर मनन ध्यान, प्रत्येक शुक्रवार को क्रूस रास्ता की भक्ति, पाप क्षमा के लिए पाप स्वीकार आदि कर रहे हैं। ये सब आध्यात्मिक कार्यकलाप हमारे आंतरिक रूप से हमें मजबूत करते हैं, अतः हमें इन्हें निष्ठापूर्वक संपन्न करना चाहिए। इनके अलावे हमें चाहिए कि हमारे आसपास के ज़रूरतमंदों के प्रति सच्ची सहानुभूति दिखाते हुए उनकी सहायता करें। याद कीजिए, उनकी सहायता करते हुए हम स्वयं प्रभु येसु की सहायता करते हैं। कलकत्ता की संत तेरेसा कहती हैं कि वह पीड़ितों में प्रभु येसु को देखती थी। हममें भी यही धार्मिक मनोभावना होनी चाहिए। इसके साथ साथ लेवी ग्रंथ की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए किसी के प्रति अन्याय न करें, किसी को धोखा न दें, किसी को तिरस्कृत न करें। इस तरह पास्का के रहस्यों में भाग लेकर हम अपने इहलोक और परलोक के जीवन के लिए अपार कृपाएं प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा आप सबों पर सदा बनी रहे। आमीन।